तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, काउंसलिंग की रिपोर्टिंग के लिए तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जैसे कि आप सभी बच्चे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और BNYS के सभी बच्चे यहां पर जोधपुर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में रिपोर्टिंग कराने के लिए आ रहे हैं 20 और 21 को, तो उसकी तैयारी देखो यहां पर हो चुकी है आपके लिए। यहां पर टेबल लग चुकी हैं, स्टेज लग चुका है, शायद यहां पर हेल्प डेस्क लगेगा, काफ़ी अच्छी व्यवस्था हो रही है यहाँ पे, और ये पूरी रात व्यवस्था चलेगी आपके लिए। जितनी भी सुविधाएं दी जाएंगी यहाँ पे जो भी है, तो आपको यहाँ पे आना है। और देखो ये है स्टेज, स्टेज पे चढ़ने के बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा कि कौन से बच्चे को अंदर जाना है, कौन से बच्चे को नहीं जाना है। उसके बाद में जैसे ही अपन हम अंदर जाएंगे, उसके बाद में फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, देखो यहाँ पे एक रूम ये तैयार हो रहा है आपके वेरिफिकेशन के लिए, और दूसरा यहाँ पे, ठीक है। तो आप मतलब 3 स्टेज से वेरिफिकेशन होके निकलोगे, तो पेरेंट्स जितने भी आएंगे साथ में बच्चों के, वो सब बाहर रह जाएंगे, मतलब यहाँ पे बैठे रहेंगे, पेरेंट्स यहाँ पे वेट करेंगे सारे, ठीक है। और बच्चा यहाँ से अकेला अंदर जाएगा, मतलब यहाँ तक पेरेंट्स साथ में रह सकता है, उसके बाद में यहाँ से जो ये गेट है फर्स्ट गेट, उसमें से बच्चा अकेला जाएगा। तो वो बच्चे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा और अंदर उसका वेरिफिकेशन होगा, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उसकी फीस है, रिक्वायरमेंट है। तो आपको यहाँ तक आने के लिए, आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, तो फार्मेसी और ओडी ऑडिटोरियम के पास में ये काउंसलिंग स्थल है। तो आपको कैसे आना है, कॉलेज में एंटर होना है, एंटर होने के बाद में आपको किसी से पूछ लेना है कि भाई ऑडिटोरियम कहाँ पे है या फार्मेसी कहाँ है। तो फार्मेसी और ऑडिटोरियम के बीच में आपका ये सेटअप है काउंसलिंग का। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कल मिलते हैं सभी बच्चों से एक साथ। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है, तो कोई भी मतलब क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।